हेलो दोस्तों, आज हम लोग निकले हैं रांची राजधानी, और रांची एक ज़िला भी है। तो हम लोग आज जा रहे हैं पिठोरिया राजा का किला, और वहां जाके हम सारा वहां का सारा कुछ बताते हैं कि वहां है क्या। और हम लोग राजा का किला जा रहे हैं, और सुनने में आया है वहां की हर साल जो वज्रपात होती है वहाँ बहुत ज़्यादा से वज्रपात होती है, और वहाँ का किला जो वज्रपात के कारण धस भी गया है। सारा कुछ वहाँ जाके हम दिखाते हैं अभी। दोस्तों, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो पिठोरिया का स्थापित किला है राजा का, तो वहाँ दिखाते हैं आपको। दोस्तों, हम लोग को स्थापित किला घुसने के लिए मेन द्वार यही है, और हम लोग यहाँ भी घुसते हैं। चलिए बुलाते हैं अंदर से। रांची का स्थापित किला जब भी होता है वज्रपात इसी पर होता है। राजधानी रांची से 17 किलोमीटर दूर स्थित पिठोरिया का किला कभी जमींदार जगतपाल की शान हुआ करता था, लेकिन आज यह खंडहर में तब्दील हो गया है। आसपास के गाँव वाले इस किले के अंदर जाने से भी कतराते हैं। जमींदार का पूरा वंश खत्म हो चुका है, और वज्रपात ने इस किले की बर्बादी की पूरी कहानी लिख दी है। इलाके में जब भी आसमानी बिजली गिरती है इसी किले पर गिरती है। दोस्तों, हम लोग फाइनली किला के अंदर घुस गए हैं, और यहाँ काफी धसा हुआ किला है, और दो फ्लोर का है ये, आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ का पूरा जानकारी बताता हूँ, यहाँ का हर एक कोठी को दिखाता हूँ कैसा यहाँ का रूम होता था। और काफ़ी पुराना किला है ये स्थापित किला। तो चलिए देखते हैं फिर आगे की ओर, और दिखाते हैं आपको पूरा यहाँ का नज़ारा। इलाके के लोग बताते हैं कि जमींदार जगतपाल को शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का श्राप लग गया, उसी के कारण आज ये किला खंडहर में तब्दील हो गया है। बुजुर्ग रमेश ठाकुर का कहना है कि इलाके में जब भी वज्रपात होता है इस किले पर ही होता है, तब किले से धुएं का गुब्बारा उठता नजर आता है। गांव वालों का यह भी कहना है कि जमींदार जगतपाल ने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था, उसी क्रम का फल आज ये किला भोग रहा है। किले की देखरेख करने वाले शिक्षक उमेश का कहना है कि इस किला को बनाने वाले कारीगरों के हाथ जमींदार जगतपाल ने कटवा दिए थे, उनके श्राप का ही नतीजा है कि किले पर वज्रपात का कहर टूटता रहता है। हालांकि भूगर्भ स्त्री नीतीश प्रियदर्शी का कहना है कि किले में वज्रपात होने को लेकर लोक कथाएं हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान इसे नहीं मान सकता। इनके मुताबिक
किले के ऊपर वज्रपात के कई कारण हो सकते हैं, मसलन वहाँ की मिट्टी, मौसम का मिजाज, ऊंचे जगह पर होना, इन वजहों से किले पर वज्रपात हो सकता है। खंडहर में तब्दील हुआ किला। कारण जो भी हो, वज्रपात ने इस किले के वर्तमान को भयानक कर दिया है, जबकि इसमें मौजूद आकर्षक कलाकृति, इसके समृद्ध इतिहास की कहानी कहता है, लेकिन यह सब झाड़ियों, जहरीलों सांपों और सिंह अंधेरे के राज में धूमिल होती जा रही है। दोस्तों, आप इस जगह में आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए ये जगह कैसा लगा है आपको देखने में, और मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही संकीर्ण है।